एनिमल हस्बेंड्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सनसनवार एक बार फिर आपके लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला टॉपिक लेता हूँ, बकरियों की नस्ल। पहले मैं दो करवा चुका हूँ, गाय की और भैंस की ब्रीड आपको करवा चुका हूँ। तो हम सबसे पहले बकरियों में लेते हैं जमुनापारी। जो जमुनापारी नस्ल है इसका जो वितरण है वो है आगरा व इटावा उत्तर प्रदेश। अब जो भारत की सबसे भारी नस्ल है, सबसे बड़ी है व सुंदर नस्ल है। रोमन नाक इसकी मुख्य विशेषता है, पैरेट माउथ एपीरेंस और चमकदार क्रीमी बालों के साथ में हल्का सफ़ेद रंग होता है। अब लेते हैं बारबरी। बारबरी को क्या कहते हैं? शहरी बकरी, क्योंकि यह छोटी होती है, सिटी में आराम से पाली जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शहरी बकरी। इसका जो वितरण है वो इटावा, आगरा व भरतपुर, राजस्थान। अब जो बारबरी की उत्पत्ति है वो है बारबरा सिटी, पूर्वी अफ्रीका। कहाँ? बारबरा सिटी, पूर्वी अफ्रीका। जो भारत की जो जितनी भी नस्लें हैं बकरियों की उनमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाई जाती है, कितनी? लगभग 5%। अब लेते हैं बीटल। जो बीटल नस्ल है वो कहाँ है? पंजाब का गुरदासपुर ज़िला और हरियाणा। जो उसके बकरे में दाढ़ी पाई जाती है जबकि बकरी में दाढ़ी नहीं पाई जाती है, ये भी रोमन नाक इसकी मुख्य विशेषता होती है। जकराना नस्ल है, जकराना नस्ल कहाँ की है? अलवर की। वितरण क्षेत्र अलवर हुआ और चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि जखराना नस्ल है तो वो किसकी नस्ल है? जखराना बकरी की। इसके बाद में कुछ नोट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बकरी की चेंगू व चेंगथेंगी जो नस्ल हैं उनसे क्या है? पश्मीना प्राप्त होती है। और जो पश्मीना जो होती है, जो पश्मीना है उनसे क्या है? कश्मीरी शॉल बनाई जाती है, वो काफ़ी महंगी होती है। दैट्स ऑल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब तो आगे हैं अब हमारी बकरियों की विदेशी नस्लें। तो बकरियों की विदेशी नस्लों में सबसे पहले लेते हैं सानेन। जो सानेन है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन, दूध की रानी। अब जो इसका उत्पत्ति है वो है स्विट्जरलैंड। इसके बाद में है अल्पाइन। अल्पाइन का उत्पत्ति है फ्रांस। इसके बाद में है अंगोरा। अंगोरा का उत्पत्ति है तुर्की। अब जो अंगोरा है उसके जो बाल हैं, जो बाल कैसे होते हैं? सफ़ेद मुलायम बाल होते हैं, उनसे उनको क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। जो टोगन वर्ग नस्ल है, टोगन वर्ग है, टोगन वर्ग का जो उत्पत्ति है वो स्विट्जरलैंड है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? सींग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन है, उसका उत्पत्ति है इंग्लैंड। और जो ये है एंग्लो न्यूबियन बकरी की जर्सी कहते हैं, क्योंकि जो बकरियों की जर्सी के नाम से जाना जाता है किसको? एंग्लो न्यूबियन को। रोमन नाक इसकी भी विशेषता है। अब हमको देखनी है भेड़ की नस्ल। तो सबसे पहले भेड़ में हम देखते हैं संकर नस्ल। तो सबसे पहली है एसारडेल। एसारडेल कौन कौन सी नस्लों का संकरण है? तो मेरिनो नस्ल का जो नर लिया गया था और मगरा मादा। मगरा को बीकानेरी मादा भी कहते हैं। कहाँ से निकाली गई थी? राजकीय पशुधन फार्म एसआर से। इसके बाद में अभिकालीन और अभिवस्त्र दोनों कहाँ से निकाली गई थी? अपने CSWRI अभिकानगर टोंक राजस्थान से। अभिकालीन है, अभिकालीन किस किस का संकरण है? रेम्बोलेट नर है और मालपरा मादा है। अब है अभिवस्त्र। अभिवस्त्र में रेम्बोलेट नर लिया गया था और चौकला मादा। अब हमारी भेड़ की जो देसी नस्लें उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है चौकला। चौकला राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो यह है अपना शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने के कारण इसको शेखावाटी नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मुख्य विशेषता हैं वो क्या हैं? रोमन नाक। और इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊन है वो महीन पाई जाती है। अब है नाली। जो नाली नस्ल है, नाली नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? जो गंगानगर है हमारा,
चोरू है, झुंझुनू है। नाली जो नस्ल है, जो उसकी मुख्य विशेषता है वो क्या है? इसमें पीले रंग की ऊन पाई जाती है। जो नाली है उसके बालों से पीले रंग की ऊन पाई जाती है। पूगल है, पूगल का जो वितरण है वो है बीकानेर यानी सीमावर्ती जिले। तो मेन मेन तो इसका है बीकानेर, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एक बार ये कि पूगल नस्ल कहाँ की है, तो बीकानेर। अब इसके बाद में जैसलमेरी, जैसलमेरी, जैसलमेर। अब है मारवाड़ी, मारवाड़ी का वितरण है जो है मारवाड़। इस जो मारवाड़ी नस्ल है इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, और ये तीन परिपथ्य पाली जाती है, दूध के लिए, ऊन के लिए और मांस के लिए। गांव में आप देखते होंगे मारवाड़ी जो जो नस्लें हैं, भेड़ बकरी, भेड़ें आती हैं चराने के लिए लेके आते हैं कुछ लोग, तो वो मारवाड़ी नस्ल की अधिकतर होती हैं। तो इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, लंबी दूरी तय करने में आसानी से चल सकती है। इसके बाद में सोनाड़ी, सोनाड़ी है वो है उदयपुर और चित्तौड़ में का वितरण क्षेत्र है। अब हम देखते हैं बकरियों की, वो सॉरी भेड़ों की विदेशी नस्ल। तो विदेशी नस्लों में सबसे पहले हम लेते हैं मेरिनो। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति है वो है स्पेन, और विश्व में, भारत ही नहीं विश्व की सबसे अच्छी फाइन वुल, अच्छी ऊन प्राप्त होती है किससे? मेरिनो से। अगली है रेम्बोलेट, रेम्बोलेट का उत्पत्ति है फ्रांस, और जो इसकी उत्पत्ति है स्पेनिश मेरिनो से मानी जाती है। साउथ डाउन है, ये चूहे जैसा मुंह इसकी मुख्य विशेषता है, और इसका जो उत्पत्ति है वो है इंग्लैंड। अब है हमारी कराकुल, कराकुल है जो बुखारा प्रांत उज्बेकिस्तान, इसका उत्पत्ति है, और सबसे अच्छी जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, किसके लिए? पेल्ट के लिए। तो हमारी दोस्तों ये हुई बकरी और भेड़ की नस्ल, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक करवाऊंगा। तो पहले हमारी जो ब्रीड हैं वो आज ख़त्म हुई हैं, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो अगली वीडियो आएगी उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।